गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स GR डिजीज। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स क्या होता है? एक माल फंक्शन ऑफ द डाइस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस रिजल्टिंग स्पॉन्टेनियस एफर्टलेस होता है रिटर्न टू स्मोक कंटेंशन इन टू द इसोफेगस। एंड ये जो होता है जो इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ लोअर इसोफेगस प्रेशर रेगुलेशन के कारण, ये किसी वन आफ्टर द एज ऑफ वन ईयर द GR कैन बी कंसिडर्ड पैथोलॉजिकल एंड यूजली एसोसिएट विद इनऑब्सिडेट ट्रांसिट रिलेक्शन ऑफ लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर। इट मे बी अकर अलोंग विद स्वेलिंग एंड फेरेंजियल कॉन्ट्रैक्शंस। मोस्टली जो कोज होता है GR न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी, सेरिब्रल डिफेक्ट, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर एंड ओबिसिटी। देन नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू ए रिट्रोग्रेड फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द इसोफेगस। रिजल्ट्स इन ए स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम विद ए विदाउट टिश्यू इंजरी। क्लासिक GRD सिम्टम इन द एब्सेंस ऑफ इसोफेगल म्यूकोजल कॉम्प्लिकेशन आर द हेलमार्क्स ऑफ नॉन रोसिव रिफ्लेक्स डिजीज NERD। Patients with NERD account up to 70% of those with GERD in the community. Symptom of GERD, typical GERD symptom: heartburn, ascending retrosternal burning, regurgitation, dysphagia. It can be divided into and oropharyngeal etiology, which is characterized by difficulty transferring food out of the mouth into the esophagus, and इसोफेगल इटियोलॉजी विच इज द चैक्टराइज बाय द सेंसेशन ऑफ फूड स्टिकिंग इन द लोअर सेल्फ। डिसफेगिया कैन बी साइन ऑफ अंडरलाइन मेलिग्नेंसी एंड शुड बी एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेटेड विद अपर एंडोस्कोपी। एंड टिपिकल सिम्टम्स: कफ, ग्लोबस सेंसेशन, हॉर्सनेस, थ्रोट क्लियरिंग, चेस्ट पेन, पार्टिसिपेट बाई मील्स, अकरिंग एट नाइट वाइल स्पाइन नॉन रेडिएटिंग, रेस्पॉन्सिव टू एंटासिड मेडिकेशन और accompanied by symptoms such as dysphagia and regurgitation should be trigger and evaluation for an esophageal cause. Very important and exclude a cardiac etiology. Pathophysiology GRD. पहला है एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इंक्लूड फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट: लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, इसोफेगियल पेरिस्टेसिस, प्यूरल डायफ्राम एंड स्टोमक एंड द रिसर्वियर। पहला है लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन कंपोज्ड ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक क्यूरल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर इज अ हाई प्रेशर जोन लोकेटेड एट ए गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन, क्रिएट्स द बैरियर बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टोमक दैट नॉर्मली प्रिवेंट रिफ्लेक्स। LES रिलेक्शन अगर द टू सिचुएशन इमिडिएटली फ्लोइंग सेलो वैन द मोमेटेबिलिटी रिलैक्स टू एलो पासेज फूड इन टू द स्टोमक एंड वैन द स्पंडस इन द डिस्टेंशन विद गैस इट एलिमिटेड टू एलो वेंटिंग द गैस ए बैच ट्रांसलाइंट LES रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन फोर एन LES द बी इफेक्टेड द मस्ट प्रोसेस थ्री सेक्टरवाइज इन एडिक्यूट टोटल लेंथ, इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ, रेस्टिंग प्रेशर। ए डिफेक्टिव LES आइडेंटिफाई बाय वन और मोर फ्लोइंग सेक्टरवाइज। एन एवरेज प्रेशर तो लेस देन 6 mm ऑफ जी। एन एवरेज ओवरऑल लेंथ ऑफ 2 cm ऑफ लेस। एन एवरेज लेंथ एक्सपोज टू पॉजिटिव प्रेशर इन्वायरमेंट ऑफ द एब्डोमिन, इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ ऑफ 1 cm और लेस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ permanently defective LES is an inadequate abdominal length. Secondly to the high prevalence of hiatal hernia is present with GERD. Frequent and prolonged TLECR can be associated with a development of GERD and it may be explained the etiology of disease observed in the 40% of patients with monometrically normal sphincter. Transient splinter shortening occurs in the initial stage of GERD and the mechanism for early complaint excessive post
postprandial reflex. The process is associated with the common complaints with the belching and bloating in patients of the GERD. There is an increased frequency of swallowing, air and saliva observed with GERD patients because the ingestion of saliva. PH7 serves to neutralize the acidic fluid PH1 in the esophagus. Therefore, GERD may begin in stomach, secondary of gastric distension due to overeating and high fat diet, which delays gastric emptying. This diagram esophageal peristaltasis clears physiological reflex and reduces contact time between the esophageal epithelium and gastric fluid. Ineffective esophageal motility can be result abnormal esophageal exposure and gastric juice even the individual with a mechanical effective LES and abnormal gastric functions. However, ineffective motility is more often seen in the patient with mechanically before LES with diastolic esophageal body function deteriorates as a direct result of repetitive inflammation. Next, this effect further prolongs the esophageal exposure to gastric juice, which creates a vicious cycle leading to more severe disease. Curial diaphragm provides an extrinsic component to the gastroesophageal barrier. Next, the Pinkock action of the diaphragm is a particularly important as a protection mechanism against reflex induced by the sudden increase in the intra-abdominal pressure. This mechanism is disturbed by the presence of hiatal hernia where the interstitial LES migrate proximal to the diaphragmatic punch. Stomach, the impaired function of the stomach such as abnormal gastric emptying may contribute to GERD by increasing intragastric pressure, distension and LES enrolling. This may occur patient with a large hiatal hernia in which the herniatal stomach in the chest does not empty appropriately. Gastric outlet obstruction either from malignancy or peptic ulcer disease, diabetic gastroparesis. Assessment of the patient with GERD. Purpose of esophagus objective testing to determine symptoms are due to gastrophagal reflex events that define the severity of GERD esophagus motility that will be impact of the on the selection of the type of surgical therapy. First, esophageal objective testing includes barium esophagus, esophagram, upper GI endoscopy, esophageal monometry, esophageal pH monitoring, and M-secret pH multi-channel intraluminal impedance in pH monitoring. Gastric emptying studies may be considered to patients with suspicious symptoms such as bloating and nausea. Pehla hai barium esophagram. It is used to elevate to entry autonomy of esophageal including the esophageal body and both sphincter. Documents the presence and size in the hiatal hernia, structures, severity and location, diverticula, esophageal emptying and the presence of gastroesophageal reflex both spontaneously and induced by proactive manager. Reliable indicator but the absence of iotogenographic evidence of reflex does not exclude disease. Esophageal motility can be assessed to some of extent on the left regurgitation structure of GERD. Air contrast esophageal shows thick esophageal mucosal folds arose and in ulcer overhead due to GERD. Single contrast esophageal shows structure above and siding hiatus hernia. Upper GI endoscopy. More than 50% patient of typical GERD symptom have been normal endoscopy examination. Signs of GERD may be visible on endoscopics include mucosal erythema, edema, hypervascularity, variability and burning, blurring of the SCG, identification of those changes in subjective scale. More severe GERD result esophageal erosions and ulceration histological. Erosions are defined as a superficial necrotic defect that do not penetrate and vascularization mucosal. Ulceration to deeper defect of extent through of muscularis mucosa into the submucosa. The distinction between esophageal ulceration and erosion is usually based on subjective assessment to a depth to the necrotic region. This diagram complication reflex disease seen the endoscopy linear erosion of the grade 2 esophagitis uncomplication variant
इन म्यूकोजा। हाई ग्रेड ऑफ डिस्प्लेसिया वेरेंट म्यूकोजा डी में है। अर्ली एडिनो कार्सिनोमा एरेसिंग ऑफ द ब्रेट म्यूकोजा। द बेस्ट वेडिएटिव मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन सिम्टम ऑफ रिफ्लेक्स इसोफेगाइटिस नाउ ए लॉस एंजेलियस क्लासिफिकेशन। द सिस्टम ऑफ म्यूकोजल ब्रेक ऑफ डिफाइंड एज एन एरिया ऑफ स्लग एपिथेलियम विद डिस्क्रीट लाइन ऑफ डेमेक्रेशन ऑफ द एडजेसेंट मोर नॉर्मल लुकिंग म्यूकोजा। इरोशंस ड्यू टू अल्सरेशन बोथ आर रिफर्ड टू म्यूकोजल ब्रेक्स ग्रेड ए बी एंड सी एंड डी। लॉस एंजेल्स ऑफ क्लासिफिकेशन म्यूकोजल एंड ब्रेक लॉन्ग ऑफ डज नॉट एक्सटेंड बिटवीन टू टॉप्स ऑफ टू म्यूकोजल फॉल्स देन टू क्लासिफाइड ऑफ द ग्रेड। एंडोस्कोपिक फोटोग्राफ द लॉस एंजेल्स ग्रेड ए बी में एसोफेगाइटिस देयर इज म्यूकोजल ब्रेक डिफाइंड एन एरिया ऑफ स्लग विद एरिथमा विद डिस्क्राइब ऑफ द फ्रॉम द एडजस्टमेंट नॉर्मल लुकिंग म्यूकोजल। नोटिस द व्हाट इज एक्सुड कवरिंग ऑफ द म्यूकोजल ब्रेक विच इज द अबव 5 mm इन लेंथ। एडिशनल देयर इज द डायस्टल इसोफेगस इंडिकेटेड बाई फाइब्रोस स्ट्रेंथ ऑफ द रन परपेंडिकुलर एब म्यूकोजल ब्रेक एंड द 12th एंड 5 o'clock पोजिशन। बी सम एरिया सो इज ए आफ्टर द वाट इज एक्सुड हैव बीन वास्ट ऑफ द म्यूकोजल ब्रेक इज द स्टिल विजिबल बट लेस प्रोमिनेंट। एबनॉर्मलिटीज ऑफ गैस्ट्रो एसोफेगियल फ्लैप वाल्व गैस्ट्रिक पोर्शन ऑफ द एलियस एंड कैन बी विजिबल ऑफ रिट्रोरिलैक्शन ऑफ द एंडोस्कोप। हिल्स क्लासिफिकेशन द अपीयरेंस ऑफ द गैस्ट्रो एसोफेगियल वॉल्व ऑफ द ग्रेड 1 to 4 अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अनफोल्डिंग और डिट्रैक्शन ऑफ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आर्क्यूपचर। द अपीयरेंस ऑफ द ब्लड वॉल क्रेटर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज एसोफेगियल एसिड एक्सपोजर अकरिंग प्रोडक्शनली इन द पेशेंट विद ग्रेड 3rd and 5th valves। देन क्लासिंग ग्रेड 1st, 2nd, 3rd and 4th। दिस डायग्राम इसोफेगियल मैनोमेट्री। 3rd मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द असिस्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द लोअर इसोफेगियल स्पेंडर एलियस इसोफेगियल बॉडी फीडिंग जीआरडी ए डिफेक्टिव एलियस फॉर इम्पेयर्ड इसोफेगियल मोटिलिटी इम्पोर्ट कंपोनेंट ऑफ प्रू ऑपरेटिव वर्क ऑफ एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। एक्सक्लूड एकेलेसिया दैट मे बी ओकेजनली मिसडायग्नोस्ड एट जीआरडी कैरेक्टराइज्ड एज इसोफेगियल मोटिलिटी एंड दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूज ऑफ डिटरमाइंड इन सर्जिकल अप्रोच निशन एंड पार्सल फंडो एप्लीकेशन। द एनेबल्स मेजरमेंट ऑफ द पेरासाइज लोकेशन ऑफ द एलियस एक्यूरेट पीएच प्रॉप प्लेसमेंट। 4th है इसोफेगियल पीएच मोनिटरिंग। 24-horse इसोफेगियल पीएच मोनिटरिंग हैज बीन ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोस ऑफ जीईआरडी। इट इज अ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर द प्री ऑपरेटिव पीएच टेस्टिंग फॉर परफॉर्म ऑफ मेडिकेशन इन पेशेंट्स बीइंग कंसिडर्ड एंड एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी। एंटी सेक्रेटरी मेडिकेशन शुड बी डिसकंटिन्यूड 10 to 14 days ए पीरियड ऑफ द स्टडी। टाइप्स कैथेटर बेस्ड ऑन कैथेटर फ्री। कैथेटर बेस्ड द कन्वेंशन कैथेटर बेस्ड पीएच मॉनिटरिंग सिम्टम प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल कैथेटर विद वन ऑफ मोर पीएच सेंसर एंड डाटा लॉन्गर। कैथेटर फ्री वायरलेस पीएच कंस्यूम ब्रेव इम्पोर्ट पेशेंट कंफर्ट लेस इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्स प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज फिक्स्ड प्लेसमेंट ऑफ द पीएच इलेक्ट्रोड 6 cm अबव द एसएसजी। रिजेबल टाउन फॉर पीएच मॉनिटरिंग आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म डी मिस्टर स्कोर। 6 variables आर मेजर ऑफ द फर्डर विद द कंपोजिट स्कोर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्स इवेंट्स परसेंटेज टोटल टाइम ऑफ द एसिड इन्वॉल्वमेंट विद पीएच लेस देन 4 परसेंटेज ऑफ राइट टाइम स्पेंड द इन्वॉल्वमेंट विद पीएच लेस देन 5-4 परसेंटेज ऑफ सुपाइन टाइम एन एसिड इन्वॉल्वमेंट विद लेस पीएच देन 4 ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिफ्लेक्स एपिसोड नंबर ऑफ रिफ्लेक्स एपिसोड्स लास्टिंग मोर देन 5 minutes। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द दीज फैक्टर्स एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी सीवीटी रिफ्लेक्स देन लास्ट टू एसेस द एबिलिटी सर्विस ऑफ क्लियर एसिड। PIPH मल्टी चैनल इंट्रा ल्यूमिनल इम्पेडेंस पीएच मॉनिटरिंग डिटेक्ट्स द इंट्रा इसोफेगियल वॉल्स मूवमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द चेंज रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस एडजेंस इलेक्ट्रोड पेरियर्स पोजिशनड इन द सीरियल मैनर अलोंग ए कैथेटर एबल टू डिटेक्ट लोकलाइज एंड क्लासीफाई रिफ्लेक्स इवेंट एसिड वीकली एसिड नॉन एसिड। एम सेकंड पीएच हैज बीन पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिफ्लेक्स डिटेक्शन मॉनिटरिंग
स्पेशली इन पेशेंट विद पैरासिटिक टिपिकल एंड एटिपिकल जीआरडी सिम्टम डिस्पाइट पीपीए थेरेपी हाउएवर क्लिनिकली अनटिलिटी ऑफ एमआईपीएच विद स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड ट्रीटमेंट ऑफ जीआरडी मेडिकल्स इंक्लूड बोथ लाइफस्टाइल फार्माकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट सर्जिकल्स मेडिकल लाइफस्टाइल चेंज फूड्स एसिडिक एसिड सच एज कोल्स टीस एंड सिट्रस सिट्रस प्रोडक्ट सच एज ऑरेंज ग्रेपफ्रूट एंड टेमोको जूस आर डायरेक्ट इसोफेगल इन्फेंट विल बी एक्सक्रिएटेड सिम्टम ऑफ जीआरडी पेशेंट कॉफी चॉकलेट डिक्रीज एलियस प्रेशर मे बी सेरिब्रेट रिफ्लेक्स हाई कॉफी एंड चॉकलेट डिक्रीज यानी लोअर जो प्रेशर होता है इसोफेगस का इसोफेगल प्रेशर होता है उसको कम करता है मे बी एक्सिबरेट रिफ्लेक्स हाई फैट मील भी इंक्रीज रिफ्लेक्स फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉर्मल एंड पेशेंट विद जीआरडी फैट टू इंक्रीज द रिफ्लेक्स मे बी डिलिंग गैस्ट्रिक इम्पिटिंग अटिंग ऑफ द मील्स विद समर वॉल्यूम ऑफ कार्बोनेट आर नॉट रिकमेंडेड बॉडी वेट द बीएमआई ऑफ 30 इज एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हायर रिस्क ऑफ फ्रिक्वेंट ऑफ सिम्टम टर्म्स वेट गेन हैव बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ सिम्टम जीआरडी एंड वेट लॉस एसोसिएटेड विद द डिक्रीज ऑफ इट्स स्लीप बॉडी पोजिशंस एल्कोहल पैलाइज पेशेंट विद नाइट टाइम जी आर डी शुड बी बिगिन द स्लीपिंग पीरियड विद योर लेफ्ट साइड डाउन डिक्रीज द ट्रांसिट लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंपेयर्ड ऑफ द राइट नेक्स्ट रिफ्रेन फ्रॉम द ईटिंग ऑफ 2 to 3 hours गोइंग टू स्लीप एज रिफ्लेक्स इज मोर फ्रिक्वेंट इन द फर्स्ट हाफ द स्लीपिंग पीरियड एल्कोहल इज द स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट द रिड्यूस लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर प्रेशर शुड बी लूज ऑफ रिड्यूसली स्मोकिंग मे बी इंक्रीज इसोफेगियल सेंसिटिव एसिड बाय इंपेयरिंग इंट्रासेलुलर रेगुलेशन ऑफ पीएच स्मोकिंग सजेशन इंडिविजुअल विद जीआरडी हैज बीन सो रिड्यूस द नंबर ऑफ द प्रेडिक्टेशन इस एपिसोड रिकमेंडेड फॉर द लाइफस्टाइल चेंजेस ईट मोर स्लोली हैव स्मॉलर मील्स अवॉइड द लार्ज लेट नाइट मील्स एंड स्लीपिंग पिल्स मेक एक्टिविटी एफर्ट रिड्यूस बॉडी वेट एंड वेस्ट सर्कुलेशन फार्माकोलॉजी में क्या होता है एंटी सेक्रेटरी थेरेपी दी जाती है विद आदर एच आर या पी पी आई विद स्टिल चोज ऑफ दो एंटासिड ड्रग्स हार्ट बर्न सिम्टम जी आर डी सुक्रेलफेट म्यूटोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स लिटल फॉर नो प्लेस नॉर्मल वुडन थेरेपी ऑफ जी आर डी मोटिलिटी एजेंट्स एक्ट बाई इंक्रीजिंग लोअर इसोफेगियल प्रेशर स्टिमुलेटिंग इसोफेगियल पैरास्टैटिक एंड एक्सेलरेटिंग गैस्ट्रिक इम्पिटिंग ओनली इफेक्टिव ऑफ हीलिंग माइडर डिग्री ऑफ डिसॉल्व इसोफेगिटिस हिस्टामाइन एस टू रिसेप्टर एंटीगोनिस्ट रिनेटिडिन फेमोटिडिन एंड निजाटिडिन इनहिबिट हिस्टामिन स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंटी सेक्रेटरी कैपेबिलिटीज आर बेस्ट नाइट विद ड्यूरेशन ऑफ एसिड इनहिबिटेशन लॉन्गर देन द ड्रग टेकन विद द इवनिंग ऑफ बिफोर बेड टाइम पेशेंट पार्टिकुलर दस ऑफ द इनफ्रिक्वेंट माइल्ड सिम्टम कैन बी मैनेज लॉन्ग टाइम डू नीडेड डेली अचार प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स पीएफए प्रोवाइड प्रोलॉन्ग इनहिबिटर सिक्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टिमुलेंट मैकेनिजम्स सुप्रेस मैकेनिज्म इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज फाइनल कॉमन ऑफ पाथवे सिक्रेशन सुप्रेस डे टाइम मील ऑफ द ग्रेटर देन एच ए पीपी आर जनरली वंस डेली डोज ऑफ प्रेस्क्राइब इन द मॉर्निंग सम पेशेंट नीड टू इंक्रीज पीपीआई डोज बिकॉज ए इनकम्प्लीट सिम्टम रिलीफ गैस्ट्रो एक्स्ट्रा इसोफेगियल सिम्टम ए ब्रेट इसोफेगस रिलीफ रिलीज पीपीआई एमिप्राजोल लेंसोप्राजोल रेविप्राजोल पेंटाप्राजोल एंड इसोप्राजोल टू डीवर फॉर्मुलेशन एमिप्राजोल इमीडिएट रिलीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कॉम्बिनेट ऑफ नॉन एमिप्राजोल ग्रेन्यूल्स एंड सोडियम बाइकार्बोनेट डेक्सो डेक्सलन एनसोप्राजोल एंड री एनएबिटोटर एंड लेंसोपेराजोल प्राइमरी इंडिकेटर्स फॉर एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी पेशेंट विद इसोफेगियल एंड फॉर एक्स्ट्रा इसोफेगियल जीआरडी सिम्टम दैट आर रेस्पॉन्सिव बट नॉट कम्प्लीटली इलिमिनेटेड बाय पीपीएलएस पेशेंट विद हेयर बर्न इलिमिनेटेड बाय पीपीआई बट कंटिन्यू नोलासिड रिफ्लेक्स पेशेंट विद वेल डॉक्यूमेंटेड रिफ्लेक्स इवन प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन कफ एंड वीजिंग पेशेंट विद जीआरडी कॉम्प्लिकेशन सच एज पेप्टिक स्ट्रक्चर बेरेट इसोफेगस और वोकल कॉर्ड इंजरी वाइल टेकिंग पीपीएलएस ट्वाइस ए डे पेशेंट विद वेल डॉक्यूमेंटेड जीआरडी हु डिजायर्ड टू स्टॉप क्रॉनिक पीपीआई यूज डिस्पाइट एक्सीलेंट सिम्टम कंट्रोल फॉर एनी रीजन एग्जाम्पल साइड इफेक्ट लाइफस्टाइल एंड एक्सपेंस
procedure selections. Laparoscopic approach of widely accepted and the laparoscopic Nissen formations. लेप्रोस्कोपिक निशन ऑपरेशन जो होता है इस मोस्ट पॉपुलर मेथड होता है एक गैस्ट्रिक रैप प्रोसीजर रैपिंग फॉर द फंडस अराउंड द लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर ए 160 डिग्री रैप कम्प्लीटली प्रिवेंट रिफ्लेक्स एपिसोड्स प्राइमरी लिफ्ट एंड सर्जरी मेजोरिटी ऑफ पेशेंट विद गुड इसोफेगियल मोटिलिटी एंड नॉर्मल इसोफेगियल लेंथ लेप्रोस्कोपिक अप्रोच विद असिस्ट विद शॉर्टली हॉस्पिटल स्टे लेस पोस्ट ऑपरेटिव पेन fever wound related complication and earlier return to work. Despite this advantage, selection of the even open versus the laparoscopic approach should depend on surgeon experience, the patient's previous surgical history. The intraoperative steps of surgical repair are relatively similar in both approaches. Laparoscopic Nissen fundoplication. Fundoplication's primary principle of Nissen fundoplication circumferential curial dissections with preservations of the vagus nerve circumferential dissection of the esophagus at the gastroesophageal junctions adequate mobilization of the esophagus or pollice gastroplasty to attain 1 to 2 cm intra-abdominal esophagus without inferior tractions curral closures with interrupted sutures gastric fundus mobilization with adequate short gastric vessels division creation a short about 2 cm floppy loose around of the 18 to 20 mm diameter fundo applications encode to the esophagus in several places that's diagram patient positions with short placement division of gastro attachment of the apex and inferior of the left strict enteropathy angle of hits and highest short gastric vessels. This is of the pharyngeoesophageal ligament. Activation of the anterior vagus nerve. Beginning of the esophageal posterior window and division of the posterior gastric vessels. Division of the short gastric vessels and creation of a large esophageal retrovagusal space. At the completion of the extensive mediastinum dissection and adequate tension-free intra-abdominal esophageal length was achieved. Completion of approximation of diabetic curura. The Schoensign maneuver to ensure that the foundation in the good position without tension. The complete Nissen fundoplication with 3 non-absorbable sutures 1 cm apart. Post-operative and follow-up. Liberal use of anti-emetic medication occurs to prevent patients that it could be disturbed by rap in the immediate post-operative period. Clear liquid started once patient the awake of the alert on the evening of surgery. The diet again be advanced to soft foods of throughout day. Patient can be dismissed home 1 to 2 days. 1 month follow-up. No studies of routine, but the barium solo servant excellent screening test of evaluated post-operative dysphagia or reflex-like symptom. Laparoscopic partial fundoplications indicated patient with impaired esophageal motility. Do anti-reflex procedure, partial anterior fundoplication, proper anti-reflex procedure, partial posterior fundoplications. The difference between the complete a partial fundoplication of GERD, mucosal complication, extra esophageal and metaplastic and neoplastic. पहला है म्यूकोसल कॉम्प्लिकेशन इसोफेगाइटिस हो सकता है स्ट्रक्चर हो सकते हैं कैडिपोजिक फैक्टर जैसे कि मैकेनिकली डिफेक्टिव LES एंड एन इंक्रीज द इसोफेगियल एक्सपोजर ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड विद द पीएच लेस देन 4 एंड ग्रेटर टू देन 7 एक्स्ट्रा इसोफेगियल या पुलमोनरी लैरिंजियल एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज कफ रिकरेंट निमोनिया अस्थमा प्रोग्रेसिव पुलमोनरी फाइब्रोसिस टू मैकेनिज्म हैव बीन पर्पस ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ रिफ्लेक्स इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम aspiration of gastric contents and vagally made bronchocontraction. Metaplastic and neoplastic. Metaplastic Barrett esophagus is defined as a columnar lined segment of esophagus of any length visible on endoscopy with a biopsy showing intestinal metaplasia with the presence of blobbed cells classified according to length. Short segment BE in the Barrett esophagus
above 3 cm, long segment B above 3 cm, sorry 3 cm come and 3 meters jada according to dysplasia. Breadth B without dysplasia, indefinite for dysplasia, low grade dysplasia, high grade dysplasia, neoplastic adenocarcinoma of esophagus. Treatment options such as PPI therapy, anti-reflex surgery, laparoscopic mission, fund applications, management of dysplasia, aggressive PPI therapy, fund application, endoscopic resection of visible lesion, radio frequency ablations, and esophagectomy. This is topic complete. Gastroesophageal reflex, GERD. Thank you, everyone.